लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या इंस्पेक्टर ईमानदार का बुलडोजर चलाते हो? अरे इंस्पेक्टर ईमानदार साहब, अरे आपके दर्शनों के लिए हम कब से तरस रहे हैं। अरे विजय, ईमानदार साहब आए, ईमानदार। हाँ ईमानदार साहब, जय हो इंस्पेक्टर साहब। आपके तो बड़े चर्चे सुने हैं हमने। अच्छा हुआ आप बुलडोजर के नीचे नहीं आए, नहीं तो हमारे सपने अधूरे रह जाते। कैसे सपने? आपके दर्शनों के, हुजूर आपके दर्शनों के। इतने अच्छे इंसान होकर आप गरीबों के नल काट रहे हैं, पानी की टंकी को तोड़ रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता जनाब, आपको शोभा नहीं देता। अरे मगर ये टंकी और नल दोनों गैर कानूनी है। कौन गधा कहता है कि गैर कानूनी है? क्या हमें गधा कहा? गधे आप क्यों इंसल्ट कर रहे हैं आप गधे की? अगर जाने दीजिए, देखिए इस टंकी को बनाने के ऑर्डर हमारे पास है। टंकी बनाने का ऑर्डर है? हाँ है जनाब, बिल्कुल है तो दिखाओ। चलो चलो दिखाते हैं, दिखा देते हैं। आइए आइए आइए, ये रही कड़कड़ाते हरे रंग के ऑर्डर। ये क्या है? ये रिजर्व बैंक का ऑर्डर है। ये देखिए लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये नहीं चलेगा, चलो। ये सैंक्शन की एक ही कॉपी है, ऐसी 50 कॉपी और है। 5,000? ये क्या हो रहा है? ये हमें रिश्वत दे रहा है? तुम लोग दो सरकारी ऑफिसरों को रिश्वत देना चाहते हो? जानते हो इस जुर्म में मैं तुम दोनों को 10 साल के लिए अंदर करवा सकता हूँ। 10 10 10 10। हाँ ठीक है, 15,000 रुपए और 5 साल की सजा बढ़वा सकता हूँ। 5 और 5। ठीक है जनाब, अब हम जैसे तैसे करके 20 का इंतजाम कर देंगे। मान जाओ यार, मान जाओ, बेचारे गरीब लोग हैं, क्यों इन्हें परेशान करते हो? अब तुम कहते हो तो मैं मान जाता हूँ, नहीं तो मैं तो। ठीक है, आप लोग ऑर्डर तैयार रखना, हम शाम को पैसे आपके घर पहुँचा देंगे। नहीं, 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 नहीं। क्यों, पैसे नहीं चाहिए? चाहिए मगर घर पे थोड़ी चाहिए, ये काम हम लोग घर पे नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं? टीवी में करते हैं। टीवी यानी वो बीमारी? नहीं नहीं, टीवी यानी टूरिस्ट बंगलो, शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग वहीं रहेंगे, रात को 11 बजे तक वहाँ आ जाना आप। आप पक्का वहाँ रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। चलो चलो। हेलो चार्ली। ये महापाप है। महापाप? हाँ, साकी के होते अपने हाथ से शराब पीना पाप है। तुम पिलाओ ना। यू नॉटी बॉय, लो पियो 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 पियो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? दरअसल हाथ खाली इसलिए रखना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम। अब मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पिलाई गई है। सुनो जरा, एक मिनट इधर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं जरा आज लेट आऊंगा। क्यों? नहीं वो क्या है कि जरा एक सरकारी काम आ गया है, उसको पूरा नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। काम होते मैं फौरन आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। गुरु मैं भी अपनी बीवी को फोन कर देता हूँ। हाँ कर देने, तो वो दिन की तरह फिर मार खाएगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आज मैं देर से आऊंगा। क्या आज भी देर से आएंगे? सरकारी काम है, करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है। मैडम मैडम, क्या है? सीबीआई वाले। सीबीआई? अरे तू जाके बिठा ना। देखिए मेरा नाम अजय, सीबीआई ऑफिसर। नमस्ते। नमस्ते जी। जी वो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ वीना। अच्छी बात है। देखिए वीना जी, हमें खबर मिली है कि आपके पति रिश्वत लेते हैं और उन्होंने गैर कानूनी ढंग से बहुत दौलत जमा की है। नहीं, आपके बदन के जेवर और ये आलिशान मकान इस बात का सबूत है। हवालदार जनाब, घर की तलाशी लो। जनाब सुखराम, घरों पर तलाशी लो। लोखंड की आवाज। नहीं नहीं वो तो मैडम, हट जाओ हट जाओ। मैं भाई साहब, आप मैडम हट जाओ। जनाब जनाब, तिजोरी तिजोरी तिजोरी
चलो चाबी दो। चाबी आपने बोले क्या साहब, मेरे पास कहाँ है? चाबी है जनाब, नीचे छुपा रही है साड़ी के नीचे। चलो जल्दी निकालो, निकालो जल्दी। ये इसकी चाबी नहीं है। मालूम है कौन सी चाबी कहाँ लगती है? देखिए आप भी पुलिस में हैं और हम भी पुलिस में, दोनों एक ही काम करते हैं। आपको इसमें से जो चाहिए ले लीजिए, ले लीजिए ना जनाब। पटा रही है, रिश्वत देने का चक्कर चला रही है। देखो हम तुम्हारे पति की तरह बेईमान नहीं, ईमानदार हैं। हवालदार ये सब चीजें बाहर ले चलो, लिस्ट बनानी है जल्दी। ये भी उतारो, जो मांगा वही दो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ हमें। चलो दस्तखत करो। मैं क्यों करूं? अगर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो तुम्हें पुलिस से चले जाएंगे। अरे पर कैसे पुलिस से चले जाएंगे? आपसे ज्यादा कड़क तो ये हम कितने कड़क हैं तुम्हें क्या मालूम, बाद में पता चलेगा। तुकाराम जनाब माल समेट लो। माल आया, ये रहा। ये क्या कचरा भर के लाया क्या? काली लक्ष्मी, चिल्लड़ लक्ष्मी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। दस हजार चोरी के, चोरी के। दिखाओ दिखाओ। दिखाएंगे जी, आप भी दिखाते हैं। ये लीजिए। ये क्या करता है? अरे ये क्या है? एक एक दो दो पांच पांच के नोट क्या ये? अपन कोई टकसाल से नहीं लाया इंस्पेक्टर साहब, उस कमीने के पास ऐसे स्टॉक था, अपन उठा ले उसको। करता क्या? हाँ मैडम, टिकट चोर आदमी है साहब, मेरे साला कोई कफन चोर लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या कह रहे हैं आप ईमानदार साहब? वो जरूर समझदार आदमी होगा, जानता होगा कि गवर्नमेंट बड़े बड़े नोट बंद कर देने वाली है। सरकार आजकल बहुत कुछ बंद करने वाली है। अच्छा, इसीलिए मैं भी अपने घर में एक एक दो दो और पाँच पाँच के नोट ही रखता हूँ। बराबर है, पैसा दे दिया ना, चलो जाओ। चलो चलो जाओ। कैसी बात, ऐसे कैसे जाएंगे इंस्पेक्टर? अपन ने अपना वादा पूरा किया, अब आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा। साहब एक बात सुन लीजिए, अगर आपने हमारे गरीबों की टंकी का पानी बंद किया तो मैं तुम दोनों के नल काट दूंगा। ना रसोई में पानी मिलेगा ना बाथरूम में। मेरा खानदानी नाम ईमानदार है, माल लेने के बाद मैं काम ईमानदारी से करता हूँ, समझ गया? आप तो खानदानी ईमानदार है बिल्कुल। चल रुक जा, एक थाली दे मेरे को। इतने जेवर फिर कहाँ से बनेंगे? मैंने तुमको हजार बार बोला कि हराम की कमाई घर में मत लाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। हाँ मैं अरे तू अपनी बकवास बंद कर, सोचे तो मेरे को। पर मेरे जेवर दिमाग फिरा दिया। सीबीआई की रेड हुई कैसे? उनको इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? जरूर कोई करवा रहे। लेकिन मेरे जेवर अरे मैं तेरे को ताकत तो साइन करने की जरूरत क्या थी? ये लो रिश्वत, तुम लेते हो चिल्लाते मुझे। अगर मैं उस पे साइन नहीं करती तो मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते। क्या मुझे क्या अब उन्हीं का फोन उठा, देखो मैं नहीं देखती। हेलो ईमानदार साहब, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। उन दोनों ने हमें धोखा दिया। कौन दोनों? अरे वही विजय और अजय, दोनों चोर है साले। उन दोनों ने मेरे घर में चोरी की, टीवी देखी है। तो यही दोनों थे जिन्होंने मेरी बीवी को बेवकूफ बनाकर सारा कैश और ज्वेलरी हथिया ली। मैंने भी अगर इन दोनों को ठीक नहीं किया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर ईमानदार नहीं। अच्छा सबक सिखाया तुमने उन दोनों सरकारी अफसरों को, ऐसे रिश्वतखोरों के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। भैया भैया वो इंस्पेक्टर इस तरफ आ रहा है, बहुत गुस्से में है। बामलहजा होशियार आ रहे हैं जनाब। आने दो, उनकी मुंडी तो हमारे हाथ में है। किधर गया वो दोनों चोर साले? अरे जबान संभाल के इंस्पेक्टर बेईमान साहब। बेईमान? अरे नहीं नहीं बेईमान नहीं, ईमानदार साहब। अच्छा ये बताइए क्या पिएंगे, ठंडा या गरम? अरे ठंडा गरम क्या, तेल लेने को मुझे तुम दोनों से अकेले बात करनी है। चलो बाहर जाओ, बाहर निकलो और बाहर जाते टाइम दरवाजा बंद कर देना। क्या रे तुम लोग हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? तुम लोग को मालूम है ना मैं कौन हूँ? मालूम है ना? मालूम है जनाब, आप हमसे भी बड़े चोर हैं, वर्दी पहनकर चोरी करते हैं। हाँ बेटा वो तो तुमको जेल में पता चलेगा कि ये वर्दी क्या क्या रंग दिखा सकती है।
मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करने आया हूँ। चलो। अरे मैं तो आपको अक्लमंद समझता था, लेकिन आप तो अव्वल नंबर के गधे निकले। आपको मालूम है ना कि मेरे पास आपके सारे काले कारनामों की पूरी लिस्ट है, जिस पर आपकी बीवी के हस्ताक्षर भी हैं। तुम लोग क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? और सुनिए जनाब, हमारी चंद शर्तें हैं, और अगर आपने वो शर्तें मंजूर ना की तो ये गीदड़ सिंह की हम सीधी ऊपर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ, पहली शर्त तो ये है कि तुम आइंदा बस्ती वालों को तंग नहीं करोगे। दूसरी शर्त ये है कि आज से आप अपने आप को इंस्पेक्टर ईमानदार नहीं कहेंगे। अच्छा, नहीं बोलूंगा, लाओ कहो तो लाओ। हाँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो शुरुआत हुई है, आपको हमारे लिए बहुत कुछ करना है। देखो, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए हा? वरना मैं तुम दोनों को 3 महीने के लिए अंदर कर दूंगा, वरना मेरा नाम सीबीआई। मैं देख लूंगा तुम लोगों को। और जनाब, आपकी ये भूल गए, आपकी 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 टोपी, अपनी इज्जत संभाल कर रखिए। अरे विजय, इंस्पेक्टर साहब को क्या टोपी पहनाई?